आपके आगे सबसे भारी दिक्कत आती है कि आप इसको बेचो। इनका मकसद क्या होता है? अपनी मशीन बेचना, मशीन बेचने का, ठीक है। सामने वाले को इतना दिखा देना कि ये लो जी आप ये मशीन ले लो मेरी, इससे आप इतना कमा लोगे, 50,000 कमा लोगे। दोस्तों जिंदगी हो या बिजनेस हो, वो लॉजिक पे चलता है। अगर लॉजिक ना हो तो कुछ भी नहीं चलता है। आप सिंपल सी बात को लें, अगर आपको जॉब में कहीं लगना है, किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब में कहीं लगना है, तो वहाँ पे आपकी मार्कशीट, आपका इंटरव्यू, आपका टेस्ट होता है, तब आप उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों सोचते हैं कि बिजनेस यूं ही चल जाएगा, जब आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं होगा, मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसकी कॉस्ट के बारे में एक्चुअल पता नहीं होगा, तो कैसे आपका बिजनेस चलेगा। मैं एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है YouTube, Facebook के ऊपर, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आम जो वीडियो बनती हूँ उसकी तरह वीडियो नहीं बनाता। मैं कोशिश करता हूँ मेरे व्यूवर्स, जो मेरे भाई, मेरे युवा दोस्त जो वीडियो देखते हैं, उनको मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ, वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जिससे उसके पैसे खराब ना हो। मैं उस तरह की वीडियो बनाता हूँ जिससे मैं खुद भी अपना काम शुरू करूँ तो मैं उस काम में अच्छा लाभ भी कमा सकूं, क्योंकि मेरे को जो काम पसंद हो मैं उसी तरह के काम की कोशिश करता हूं, वीडियो बनाऊं। आज सेलोटेक के बिजनेस के बारे में बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, लेकिन किसी भी भाई ने ये इस तरह की वीडियो नहीं बनाई है कि कौन ट्रेडर है, कौन मैन्युफैक्चरर है। सभी के सभी YouTube सोशल मीडिया के ऊपर मशीनें बेचते हैं, लेकिन कोई सेलोटेप नहीं बेचता है। मैं एक ऐसे सेलोटेप मैन्युफैक्चरर के पास आया हूँ। मेरा ये मानना है आप उससे अगर आप सेलोटेप खरीद के बेच के एक बार मार्केट में देख लेते हैं तो आपको अंदाज हो जाएगा कि क्या आइडिया है, क्या मार्जिन कॉस्ट आपकी पड़ने वाली है, क्या आपको लाभ पड़ेगा। क्योंकि जो भी भाई काम शुरू करता है, इसमें ये नहीं कि 1,00,000 रुपये की मशीन ली और आपने 2 लेबर लगाई और काम शुरू किया, थोड़ा सा रॉ मटेरियल लिया। मार्केट में जाने के बाद आप जब मार्केट में रेडी माल लेके जाएंगे तो वहाँ पे लोग रेट भी पूछेंगे। जब आप 6 रुपये का माल वहाँ पे दिखाएंगे, वो कहेंगे दुकानदार या होलसेलर के 5 में जब मेरे से लेके जा, वहाँ पे आप क्या जवाब दोगे? आपके दिमाग में एक ही आइडिया आएगा, या तो इस काम को बंद कर दें या मेरे साथ में धोखा हुआ है। मैं नहीं चाहता आपके साथ में धोखा हो। मैं एक ऐसे महानुभाव, एक ऐसे शख्सियत के पास आया हूँ जिनका खुद का एक जॉब था, वो जॉब करते थे, जॉब करने के बाद पार्ट टाइम ये काम शुरू किया, शुरू करने के बाद अपनी खुद फुल टाइम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आए हैं। उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस सेलोटेप के काम में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि रॉ मटेरियल में बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के और मार्केट में उधार डाल के बहुत सारे पैसे लगते हैं, 1,00,000-2,00,000 में काम नहीं शुरू होता है। लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हासिल हो। या तो आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो बहुत सारे हो सकता है आप नुकसान से बच जाएं, करेंगे तो आपको एक जेन्युइन, एक सही जानकारी इसमें मिलेगी। तो सर से इसके बारे में पूछते हैं, सेलोटेप के बारे में, कि सेलोटेप का बिजनेस अगर कोई बंदा करता है तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ये बहुत जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी तरह की सेलोटेप बनाते हैं, सभी प्रकार की, जिसकी मार्केट में खूब सारी डिमांड है, इनके पास से आप लेके बेच सकते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार जी। थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दें कि आपने कैसे इस काम को शुरुआत किया। मेरे व्यूवर्स के साथ में आपका एक जेन्युइन जो एक्सपीरियंस रहा है इस लाइन में, या आपका प्राइवेट जॉब का, वो क्या रहा है? सत्येंद्र जी, ऐसा है, पहले मैं जॉब करता था, जॉब के साथ साथ मैंने टेप के बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम ट्रेडिंग में स्टार्ट करना किया। ठीक है। ट्रेडिंग के साथ साथ मैंने ये देखा कि इसमें थोड़ा मार्केट में घूमना, मार्केट में बेचना, ये सारी मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग करते करते मैंने ये देखा कि क्या मैं इस काम को और बढ़ाकर और अपना मार्जिन मनी बना सकता हूँ। धीरे धीरे करके मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आया। ठीक है। लेकिन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आया तो मैंने ये देखा कि ट्रेडिंग लाइन में मैंने इतना पैसा नहीं लगाया था जितना पैसा मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आज मशीन खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदने में, और फिर आगे मटेरियल को मार्केट में उधार देने पर लगा दिया है। ठीक है। ट्रेडिंग करते वक्त आपका कुछ नहीं जाता। आपने क्या किया, फैक्ट्री है, फैक्ट्री से आपने मटेरियल लिया। ठीक है। और जो आपके एंड यूजर हैं आपने उनको सीधा बेच दिया। ठीक है। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में सबसे पहले तो आपको हैवी मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल में प्लास्टिक आ जाता है, इसके फिल्म आ जाती है, केमिकल आ जाता है, जो कि आपको 1 टन 2 टन से कम कोई देता नहीं है। ठीक है। सीधा सीधा ये मतलब हो गया है कि आपने पैसा
लगा दिया उसके अंदर। सर आपकी मशीन की कॉस्ट बताएं, कितने पैसों की मशीन है आपकी? मेरी मशीन की जो सिर्फ कोटिंग मशीन है, हाँ जी, वो 15 लाख रुपए की कोटिंग मशीन है। दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूँगा सर की मशीन 15 लाख की सिर्फ कोटिंग की मशीन है, इसके अलावा बाकी मशीन एक्स्ट्रा हैं। लेकिन इनके रॉ मेटेरियल की बात की जाए तो ये दाना ला के खुद अपना प्लास्टिक बनाते हैं सर। प्लास्टिक की फिल्म आती है गुजरात से, ठीक है, हम उसके ऊपर सिर्फ कोटिंग करते हैं। कोटिंग करते हैं इनका जो जो लोग नॉर्मली कहते हैं कि 1-2 लाख की मशीन लो, थोड़े से पैसे में काम शुरू करो, वहाँ पे आपकी कॉस्ट अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मशीन की ही बात करें तो 15 लाख की कोटिंग, उसके बाद कटिंग मशीन है वो 2.5 से 3 लाख रुपये है। ये मान के चलिए कि आप 20 से 25 लाख रुपए की, हाँ जी, आपको मशीन लगानी पड़ेगी। मशीन 25 लाख तक लानी पड़ेगी, मशीन लगानी पड़ेगी जी। सर छोटी मशीन पे जैसे बाकी सारी वीडियोज होती हैं, छोटी मशीन वो से सिर्फ कटिंग की होती है, ठीक है, कि आप दिल्ली से, गुड़गांवा से या हमसे जंबो ले लिया आपने, ठीक है, और उसको सिर्फ आप काट के टेप बेच रहे हैं, ठीक है, वो मशीन भी आपकी 2 से 2.5 लाख रुपए में शुरू होती है। सर अगर वही कोई मशीन लेके बेचना चाहे, हाँ, कटिंग करके, तो उसमें कहाँ कॉस्ट कहाँ बढ़ जाएगी? देखिए क्या है, आपको 2.5-3 लाख रुपए की तो कटिंग मशीन लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर 2 से 3 लाख रुपए का आपको जंबो भी लेना पड़ेगा जो कि आप छोटे टेपों में उसको काटेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका गत्ता हो गया, कोर हो गया, ठीक है, ओवरऑल मिला के आप 10 से 15 लाख रुपया अपना ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अब आप उस प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं मार्केट में। जब आप बेचने जाएंगे तो ये तो है नहीं कि आपने मटेरियल दिया और वो आपको उसी टाइम पैसा दे देगा, ठीक है, महीने या 1.5 महीना आपका माल भी रखा रहेगा उसके पास, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने उसको एक लोन के तौर पे अपना मटेरियल दे दिया, ठीक है, अब आपकी वहाँ पे भी अमाउंट ब्लॉक हो गई, ठीक है, और आपके इधर भी मशीनरी में और इसमें भी आपने 10 से 15 लाख रुपया लगा दिया, ठीक है, अब अगले महीने आपको रॉ मटेरियल तो और चाहिएगा काटने के लिए, जी हाँ, वो आप कहाँ से लेंगे? बिल्कुल, उसके लिए फिर आपको 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि जो पैसा होता है जी, वो एक मोटी अमाउंट ब्लॉक हो जाती है रॉ मटेरियल के तौर पे और जो हम ट्रेडर्स को या आगे जो हम बेचते हैं वहाँ पर, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग से स्टार्ट हुआ था और आज मैं मैन्युफैक्चरिंग में आया हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में 2 साल करने के बाद मेरी ये राय आती है कि या जो मैं अपने व्यूअर्स को या दोस्तों को बताना चाहूँ कि ट्रेडिंग से बेस्ट नहीं है मेरी राय में, क्योंकि अब मैं मैन्युफैक्चरिंग में आया हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं, ठीक है, आपने तो किसी से मटेरियल लिया, उसको ऑर्डर दे दिया, ठीक है, कि जी मेरा 10 बॉक्स 20 बॉक्स बना दीजिए, ठीक है, वहाँ से आपने लिया, जी हाँ, आपने आगे जाके दे दिया, ठीक है, ना तो आपको शेड की जरूरत, ठीक है, ना आपको मशीनरी की जरूरत, जी हाँ, ना आपको रॉ मटेरियल की जरूरत, ठीक है, वहाँ से आपका पैसा मिला, ठीक है, आपने मैन्युफैक्चरर को पैसा दे दिया, ठीक है, जो आपका मार्जिन मनी था, हाँ जी, वो आपने अपना रख लिया, ठीक है, आपका तो क्या गया, ठीक है, देखा जाए तो आपका कुछ नहीं गया, बिल्कुल, ठीक है भाई, आपने तो इधर मैन्युफैक्चर से मटेरियल उठाया और उधर दे दिया, ठीक है। सर अभी मैं बात करना चाहूँगा किस किस रेंज की अपने पास किस किस इसमें क्या, जैसे कोई नया बंदा शुरू करता है तो क्या इसमें मतलब बारीक काम है जो नॉर्मल जो मशीनें बेचते हैं वो नहीं बता पाते हैं, या वहाँ पे जाके फिर बंदा काम शुरू कर लेता है फिर इसको सीखता है कि मेरे को इस साइज़ का इसमें इतना पेस्ट है, इतनी लंबाई है, इसमें MM वगैरह क्या कुछ इसमें और बारीकियाँ हैं? देखिए जी, टेप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा बारीकी है, हर कोई ये सोचता है कि ये टेप ही तो है, मैं भी बना सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ मशीन खरीद ली और बना दी, ठीक है, लेकिन टेप मैन्युफैक्चरिंग में ये नहीं होता, इसमें केमिकल का गोंद का जो होता है वो हमारा माइक्रोन बनाता है, ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा माइक्रोन हो गया खराब तो वो आपका फिल्म खराब हो जाती है, ठीक है जी। फिल्म आपने ली उसमें अगर सपोज कट आ गया कहीं, जी हाँ, तो वो आपकी फिल्म नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी नहीं, सही है, वो आपको उतना 10 किलो 5 किलो जो भी फिल्म का है वो आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है।
ये बारीक चीजें हैं, ये मशीन जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, हाँ जी, ये कोई नहीं बताता आपको। इनका मकसद क्या होता है? अपनी मशीन बेचना, मशीन बेचने का, ठीक है। सामने वाले को इतना दिखा देना कि ये लो जी आप ये मशीन ले लो मेरी, इससे आप इतना कमा लोगे, 50,000 कमा लोगे। बिल्कुल, टेप लाइन इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि आप 50,000 लाख रुपया महीने का कमा लो। कमा ले, ठीक है। अगर आप 50-60 लाख रुपया लगाते भी हो और उसके बाद आपने अगर 1 लाख रुपया कमाया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के, ठीक है, तो आपने क्या कमाया? बहुत कम सीखे, बिल्कुल ठीक है। नहीं समझ रहे जी? हाँ जी हाँ। कई बार ये होता है, अगर थोड़ा सा टेप काटते वक्त टेढ़ा कट गया या कटिंग हो गया गलत, वो भी हमारी वेस्टेज होती है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों नॉर्मली क्या लोग कहते हैं कि मशीनें लो, थोड़े से पैसे में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन सर का जो एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी जो वैरायटी सामने रखी हुई, इस तरह की टेप बनाते हैं, मैं खुद भी ये कहना चाहूँगा कि आप खुद अपनी टेप एक बार खरीदें यहाँ से, अगर फिर भी आपको लगे कि खरीदने से बात नहीं बन रहा है, ट्रेडिंग करके देख लें पहले आप, फिर आपको लगता है कि मेरे को अपना काम शुरू करना चाहिए, तो ये दीपक जी हैं, ये आपकी फुल सपोर्ट करने वाले हैं, आपको सारी जानकारी डीपली बताएंगे अगर आप इस बारे में सेटिस्फाई हो चुके हैं तो। क्योंकि आप अपने 2-4 लाख रुपए जब लेके चलते हैं तो इसमें आपके पैसे एक जगह स्टॉक हो जाएंगे, फिर आपको बहुत सारा और मार्जिन भी चाहिएगा, वो मार्जिन वो पैसे वो कहाँ से लेके आएंगे मार्केट में, फिर लास्ट में चल के बंदे को काम अपना बंद करना पड़ता है। सर क्या देखते हैं मार्केट में, क्या लगता है किस तरह के लोग जो नया शुरू करते हैं, क्या उनको झेलना पड़ता है? सबसे बड़ी तो इसमें ये आती है, आपने मशीन खरीद ली, रॉ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, आपने चलिए बैंक से लोन ले लिया या जैसे भी करके आपने प्लांट स्टार्ट कर दिया, जी हाँ, आपके आगे सबसे भारी दिक्कत आती है कि आप इसको बेचोगे कहाँ। बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़ा इसमें बेचने की प्रॉब्लम आती है, जी हाँ, उसी लिए कि आप बाद में सोचो कि मैं इसको बेचूंगा कहाँ, मैंने इतना प्लांट लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, आप सोचोगे कि अब तो मैं फंस गया, जी हाँ, इसकी बजाय आप पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, ट्रेडिंग शुरू करें, आप मार्केट में घूमिए, मार्केट में देखिए, जी हाँ, कि मैं इस मटेरियल को कहाँ कहाँ बेच सकता हूँ, क्या मेरा मार्जिन मनी निकलेगा, जी हाँ, क्या मैं इसमें कमा सकता हूँ, जी हाँ, क्या मेरा स्कोप है, ठीक है, मार्केटिंग करिए, अपनी एक मार्केट बनाइए, ठीक है, उसके बाद आपको अगर लगता है कि हाँ मैं मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता हूँ या मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, जी हाँ, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आइए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे ही नहीं कि सीधा मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, मैंने बहुत ऐसे देखे हैं, जी हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं और विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर, जी हाँ, उनको अपने प्लांट बंद करने पड़े, बंद करने पड़े, क्योंकि पैसा ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मशीनरी ले ली, जी हाँ, अब आप बेचने गए, आप इस माल को बेच नहीं पा रहे, जब आप माल को बेच नहीं पाओगे, आपको लेबर का भी पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो आपका हर महीने होगा। बिल्कुल दोस्तों, मेरे ये मित्र जो कैमरामैन है, ये कह रहे थे आप 1-2 साल में सीखेंगे तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप 2 साल में सीखेंगे तब तक आपको इतना सारा लॉस हो जाएगा कि आपको काम बंद ही करना पड़ेगा। जो सर ने जेन्युइन बातें बताई हैं, फिर भी आपका मन करता है कि आपको अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, तो ये पूरे दिल से आपकी हेल्प करने वाले हैं, बिल्कुल तैयार हैं जी। तो सर ये किस किस टाइप की, आप मान लो कोई अपना ब्रांड का भी अगर आप ये टेप बनाना चाहें। मैं देखिए सेलो टेप बनाता हूँ, ब्राउन टेप बनाता हूँ, और मेरे पास प्रिंटेड टेप भी होती है, ठीक है, कोई अपना नाम या लोगो का बनवाना चाहे, ठीक है, तो हम वो भी बनाते हैं, वो ही बना देते हैं। हाँ जी ठीक है, थोड़ा सा इसमें साइज वगैरह बता दे, किसकी साइज हमारा आधा इंची से लेके 1 इंची, आधा इंची, 1.25 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4, 5, 14 इंच के भी, ठीक है, या 21 इंच का भी जो लेना चाहे तो। मतलब टेप के अंदर जिस भी टाइप की चाहिए बंदे को, हाँ जी, जो रिक्वायरमेंट होती है, हाँ जी, कस्टमर की, जी हाँ, उसी हिसाब से हम उतने ही इंच का और मीटर, कितना मीटर चाहिए, ठीक है, वो मीटर हम बना के देते हैं। दोस्तों सर ने ये बताया कि आपको यही लगेगा कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, अपने नाम से प्रिंट करवा के आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, सारा काम बड़ा इजी है, फिर भी आपका मन करे तो दिल से सर स्वागत करते हैं, आप लोग इनके पास कॉल करें, अपना काम शुरू भी कर सकते हैं। तो सर मिनिमम कितना माल कोई मंगवाना चाहे शुरुआत में देखने के लिए मार्केट, तो कितना मंगवा सकता है एक बार में? देखिए ऐसा है जी, सेलो और ब्राउन, जी हाँ, ये तो चाहे कोई मेरे से एक बॉक्स भी लेगा, ठीक है, तो मैं उसको एक बॉक्स भी दूंगा, ठीक है जी हाँ, लेकिन जो हमारी प्रिंटेड टेप होती है, हाँ जी, इसका मिनिमम 10 बॉक्स का रहता ही है, 10 बॉक्स का, हाँ जी, क्योंकि हम जो प्रिंट करते हैं वो प्रिंट एरिया हमारा
10 बॉक्स में कवर होता है, मतलब टेप पे जो प्रिंट होता है। हाँ जी, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये प्रिंटिंग है, ठीक है, ये प्रिंटिंग टेप होती है। आप अपना नाम या लोगो प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो प्रिंटेड टेप कहलाई जाती है। दस बॉक्स आपको चाहिए वो लेने पड़ेंगे। वो बाकी अगर कोई मेरे से सेलो या ब्राउन के लिए, या ये कलर टेप है, जैसे ब्लू है हमारे पास, रेड है, ब्लैक है, जी हाँ, ये हम एक बॉक्स भी दे सकते हैं सर, कहीं पे भी पूरे भारत भर में मंगवा सकता है बंदा। दीपक जी, इन टेप्स का मैं रेट जानना चाहूँगा, रेट कितना, कोई मेरे भाई इनका ट्रेडिंग करना चाहे, शुरुआत में बेचना चाहे, तो कितना रेट पड़ेगा? देखिए सत्येंद्र जी, टेप का जो रेट होता है वो रेट माइक्रोन और मीटर के हिसाब से होता है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोन अलग अलग होते हैं जी, और मीटर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जिस भाई को भी ये चाहिए वो मेरे से कॉल कर ले, मैं उस माइक्रोन और मीटर का उनको रेट दे दूंगा। जो मैन्युफैक्चरर की तरफ जाना चाह रहा है या जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाह रहा है, सोच रहा है, अगर वो ट्रेडिंग में करता है तो उसको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ेगी, हाँ, उससे भी मैं कम रेट में उसको ये टेप यहाँ से अवेलेबल करवा दूंगा। मतलब दोस्तों, कोई नया युवा जब कोई काम शुरू करता है सेलो टेप का, तो उसको जो कॉस्ट पड़ने वाली है उसकी अज्ञानता, उसके अनुभव की कमी से, उससे कम कॉस्ट में सर के पास मैं टेप अवेलेबल करवाऊंगा, अवेलेबल करवाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको ट्रेडिंग करके एक बार देख लें मार्केट में, फिर अपना आप अपना दिमाग, अपनी सोच, अपना अनुभव का प्रयोग करके इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जी हाँ, जो इंडस्ट्रियल एरिया में सारे मटेरियल देते हैं, हार्डवेयर या जनरल आइटम, ये वो भी मेरे से टेप यहाँ से लेकर जाते हैं, ठीक है। जो हार्डवेयर वाला 1-2 करोड़ का हार्डवेयर का टूल्स जो कंपनी में सप्लाई कर सकता है, क्या उसके लिए प्लांट लगाना मुश्किल बात नहीं है? बिल्कुल मुश्किल, लेकिन वो भी ट्रेडिंग ही करते हैं, ठीक है, ठीक है। उनको भी पता है कि जो प्रॉफिट ट्रेडिंग में है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। नहीं, एक बार सर आपके जो जो कंपनियां जो प्रिंटेड अप टेप बनाते हैं उनके एग्जाम मेरे को सैंपल्स वगैरह कुछ और दिखा दें। जैसे ये है जी मेरा प्रिंटेड का, जो मैं प्रिंटिंग टेप्स बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, इन इन कंपनियों की सर प्रिंटिंग टेप बनाते हैं, जो प्रिंट होती हैं, आप भी बनवाते हैं, बनवा सकते हैं अपने ब्रांड की। ये कंपनी अपना लोगो, अपना नाम वगैरह डिजाइन से भेजते हैं। हैफर्ड का भी सामने इसमें नाम आ रहा है। ये सारे प्रिंटेड ब्रांड्स हैं जो अपना मेरे से लोग बनवाते हैं। हाँ जी, मैं आप ये देखिए, गुजरात, चेन्नई, यहाँ पे अभी मेरी सप्लाई जा रही है। मैं यहाँ से चेन्नई भी भेज रहा हूँ, ठीक है, और गुजरात भी भेज रहा हूँ, और जयपुर भी जा रही है। हाँ जी, और लोकल तो है ही है, ठीक है बिल्कुल। तो ऑल ओवर इंडिया अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं, मैं वो आपको दूंगा। सर अपना एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वो शेयर कर दें। एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर के लिए मेरा जो बोर्ड है ऊपर, आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीफोन नंबर मेरा है 870-8750-231, ठीक है। दोस्तों, इस सर का हमने जो छोटा प्लांट इन्होंने जो शुरुआत किया था उसको मैंने कवर किया है। अभी ये वैसे बड़ा प्लांट भी इनका शुरू हो चुका है, वहाँ पे मैं आपको 1-2 महीने बाद मेरा विजिट रहेगा, मैं वीडियो कवर करूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सर का ये टेप मंगवा के और बेच के देख लें, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को अपना काम शुरू करना चाहिए तो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद।